25 रुपीज़ देने हैं आपको पार्किंग के, जो 4 घंटे की पार्किंग आपको मिलेगी। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा लोगे तो 5 रुपये बढ़ जाएंगे आपके। सो वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन हमारे सिप्रा दे व्लॉग में। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने, जो कि है दिल्ली में, जो बड़ी फेमस प्लेस है स्पेशली फॉर कपल्स। मतलब वैसे तो ये पिकनिक स्पॉट भी है बट कपल्स के लिए ज़्यादा है। सो अगर आप यहाँ आए बिल्कुल भी कैश लाना ना भूलें, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ना तो आपको पार्किंग के लिए और ना ही आपको टिकट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो कैश लेना इस बिल्कुल ना भूलें, ये है हमारा टिकट और वही कैश लेना आप बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद जब आप एंट्री करोगे, अगर आप यहाँ आप भी आ रहे व्लॉगिंग के लिए, सो अपनी सेल्फी स्टिक या फिर कोई भी आपको ट्राइपॉड ले जाना है, अंदर अलाउड नहीं होगा। आपको फ़ोन से सिर्फ वीडियो बना सकते हो, और वीडियो बनाते वक्त ही आपको पहले ही बता दिया जाता है कि किसी भी कपल को कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो अपने घर से छुप के आए हों और यहाँ पे उनकी पोल खुल जाए, तो इस वजह से आपको सिर्फ अपनी वीडियो शूट करनी है। सो गार्डन ऑफ 5 सेंस इंडिकेट करता है हमारे 5 सेंसेस को, जिसके बेसिस पे ये बना है। तो स्टार्टिंग में ही आपको पॉइंट पे ये मिल जाएगा जो 5 एलिफेंट्स है यहाँ पे, और उसके बाद ये प्यारा सा पेड़ आपको यहाँ, मतलब काफ़ी अच्छे सीन हैं जो आपको यहाँ अगर देखने को मिलेंगे, जिसको आप बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकते हो। ये एक राउंडेड वे में पार्क बना है जो बहुत सुंदर है, सो हमने सोचा इसमें थोड़ा सरप्राइज खेल लिया जाए, क्योंकि काफ़ी छोटा था तो हम कूद फांद के इधर उधर जा सकते थे आराम से। सो आज हम आए थे पूरा इसका एक्सप्लोर करने, अभी तो स्टार्टिंग थी तो हमें लगा कि चलो यार लोगों की कमी है, मतलब हमने ऐसे सुना था कि यहाँ बहुत कपल आते लेकिन हमें नहीं दिखा। फिर जब दिखना चालू हुआ तो गाना याद आता है कि दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बहे, क्योंकि यहाँ पे इन रियल बहुत सारे कपल्स थे। सो आप अगर व्लॉगिंग के लिए आओ तो ये रखना कि किसी की प्राइवेसी लीक मत कर देना आप। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको अदर पार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्क के सेंटर में ही, मतलब बीच बीच में आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, फूड कोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जो बॉयज़ अपनी गर्लफ्रेंड को गोलगप्पे खिलाने के लिए एक्साइटेड है और बाहर की शॉप पे नहीं खिला सकते, तो आप भी गार्डन ऑफ 5 सेंस आ जाओ, यहाँ पे आपको गोलगप्पे की भी ठेला मिल जाएगा, सो आराम से आप यहाँ पे खा पी सकते हो। हम लोगों को अब जाना था यहाँ की भूलभुलैया को एक्सप्लोर करने, सो हम देख रहे थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था किधर क्या है, और ज़्यादा जगह हम अंदर जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे इतने कपल्स बैठे थे। फिर हमें मिल जाते हैं यहाँ के कुछ, तो जब हम यहाँ पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिख जाएगा, ये शीशे टाइप के, जो जैसे हम पुराने ज़माने में पढ़ते थे शायद गुरुकुल की शिक्षा जो लेने आते थे। ये मतलब बेसिकली ये कपल पार्क नहीं है, ये स्पेशली 5 सेंस पे बनाया गया है। सो इसमें काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं और 5 सेंसेस आप यहाँ फील कर सकते हो। सो ये जो पार्क है ना, चलो अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो ये जो है ये मेहरौली के नियर बाय में है, यहाँ से आप कुतुब मीनार भी पास में ही पड़ेगा आपको, मेहरौली में ही पड़ता है ये पार्क भी, और ये पूरे 20 एकड़ में फैला हुआ है जिसे बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया है ना। तो इसके अब अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 बजे से खुलता है 6 बजे तक इस टाइम, और अगर आप विंटर सीजन में जाओगे तो ये 9 से 6 बजे तक ही खुलता है। तो ये तो कुछ एरिया, यहाँ इसके अपोजिट साइड हम बिल्कुल नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा कपल्स बैठे हुए थे। फिर फाइनली हम लोगों को मिल जाती है ये वाली भूलभुलैया, जिसमें पता नहीं क्यों ही इसका नाम भूलभुलैया रखा गया था, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये सीधा सीधा रास्ता था बट ये भूलभुलैया के क्यों रखा गया मुझे समझ नहीं आया ऐसा। सो यहाँ पे आप लोग को वीडियो बहुत संभाल के एकदम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैसे थोड़ा थोड़ा बोर भी हो रहे थे यहाँ, क्योंकि वैसे मतलब अच्छा है लेकिन हर जगह ये कपल देख के हमारे तो ना वीडियो ही अच्छी बन पा रही थी ना कुछ और कैप्चर हो पा रहा था हमारा, लेकिन इवन दैट हमने इन्जॉय किया यहाँ। ये भूलभुलैया से पार होते हुए हम चलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए आपको मिल जाएगा साइंस ऐसे कि किस तरह से ये है। फिर हम जब बोर हो जाते हैं तो हम लोग को और कुछ समझ नहीं आया तो हम थक थका के बैठ जाते हैं और ले लेते हैं ये अपनी पेप्सी और हमारा ये कुरकुरा, जिसके साथ यहाँ पे बैठने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टाइम है तो ये पेड़ वेड़ से थोड़े से वैसे अच्छी हवा आ रही थी, मतलब मौसम ठीक लगा, धूप है तो लेकिन अच्छा मौसम हो रखा था। फिर हमें मिल जाते हैं पक्षी, जिसको मेरे को नहीं पता था कि ये कुरकुरे भी खा लेते हैं, वो तो मैंने एक को ऐसे डाला एक चिड़िया को तो ये सारे आ गए, तो फिर अब देखना आप धीरे धीरे कैसे सारे एकदम आ जाएंगे। इनको कुरकुरे खाने में भी मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि इनको कुरकुरे खा के लूज मोशन ना हो जाए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है हो भी जाएंगे तो क्या है, कौन सा शौचालय ही जाना होता है, तो खुलेआम कहीं भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देख रहे हो ये कौवे से लेके गिलहरी चिड़िया सारे लोग आ जाते हैं जिनको कुरकुरे खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने इनको कुरकुरे खिलाए और इनके साथ ही इंजॉय। अब बस ये डर था कि कहीं से बस चील उड़ के ना आ जाए, क्योंकि चील अगर आ गई तो दिक्कत हो जाएगा,
इसलिए इन छोटे मोटों को ही खिलाया। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था और इन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे ग्रुपों को बुला लेते। फिर एक प्यारी सी गिलहरी जो बहुत प्यार से मेरे दिए हुए कुरकुरे खा रही थी, तो मतलब इनके खाने का तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हो कितना अच्छी तरह से खा रही है, तो इसे देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर एट दी एंड हमने आधे से ज़्यादा कुरकुरे लोगों को खिलाए। सो बाय, मिलते हैं।